उस लेवल के जो सचिवालय लेवल के जो भी यहाँ अधिकारी हैं वो भी कार्य में लिप्त हैं। अभी अभी एक रानू साहू करके जो कलेक्टर थी और वो तो आईटी में उनका पूरा उजागर हुआ और उनको भी गिरफ्तार किया गया। जो सत्ताधारी पार्टी है छत्तीसगढ़ में, सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस, उसके खिलाफ बीजेपी लगातार पिछले 4.5 सालों से मोर्चा खोल रही है। बीजेपी कई तरह का आरोप लगा रही है। आज बिंदवानगढ़ में बीजेपी बड़ा प्रदर्शन कर रही है। मैं बता दूं यहां पर जो विधानसभा स्तरीय पर धरना प्रदर्शन है, बिंदवानगढ़ क्षेत्र में जो स्कूलों में जो शिक्षकों की कमी है उसे दूर करने की मांग बीजेपी कर रही है। इसके साथ साथ जो देवभोग सीएसटी में लगातार डॉक्टर की कमी बनी हुई है, चूंकि ये काफी बीहड़ क्षेत्र है और छत्तीसगढ़ का अंतिम छोर है, यहाँ पर डॉक्टरों की लगातार मांग की जा रही है, लेकिन शासन इस मांग को अभी तक गंभीरता से नहीं ले रही है। बीजेपी ने अपने प्रदर्शन में आज इस मुद्दे को अभी प्रमुखता से शामिल किया है। और मैं ये भी बता दूं, बीजेपी का ये भी आरोप है, शराब और अवैध रेत खदान को बंद करने की बात कही जा रही है। देवभोग नगर पंचायत जो सीएम ने हाल ही में जो घोषणा किया था उसे भी पूरा करने की बात कही जा रही है। एक मुख्य मुद्दा जो नदी उस पार जो 36 गांव के लोग आते हैं, बेलाट नाला एक मुख्य मुद्दा है जो लगातार 20 वर्षों से यहां के ग्रामीण मांग कर रहे हैं कि बेलाट नाला पर पुल बनाया जाए ताकि हमारी समस्या दूर हो। ये आज तक नहीं बन पाया है। बीजेपी भी 15 सालों में सरकार में थी, उनके भी नेताओं से हम सवाल करेंगे कि 15 सालों में क्यों नहीं बना, और कांग्रेस के नेताओं से भी हम सवाल पूछेंगे कि 4.5 सालों में क्यों नहीं बना। इसके साथ साथ मुंगिया नाला पुल की बात कर रहे हैं और इंदा गांव को उप तहसील जो घोषणा किया गया था उस घोषणा को पूरा करने की बात कही जा रही है। हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता संदीप शर्मा जी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि विधानसभा का जो स्तरीय जो आज प्रदर्शन रखा गया है, प्रदर्शन में क्या कुछ मांगे हैं और किस मांगों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी है। संदीप जी, क्या मांग है और किस मांगों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी, खड़े हो जाइए। देखिए, आज ये जिस विधानसभा बिंद्रानगढ़ में हम लोग उपस्थित हुए हैं, बिंद्रानगढ़ विधानसभा की अनेक समस्याएं हैं, खासकर ये आदिवासी बहुल हमारा विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ पर गरीबों के जो चावल है उस पर बड़ा घोटाला हुआ है, गरीबों को चावल नहीं मिला, इसको लेकर के हमारी बातचीत है। इसके अलावा मैं आपसे ये भी बताना चाहूँगा कि इस पूरे अंचल में गरीबों के लिए जो प्रधानमंत्री आवास भेजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया, पूरे आवास का पैसा कहाँ चला गया? गांव में गरीबों का आवास नहीं बना है, इसलिए लोग यहां पर चिंतित हैं कि पैसा आखिर चला कहां गया। घोटाला इतने हुए सरकार ने, इस घोटाले का कोई और छोर नहीं है। अभी भी हम कह रहे हैं कि इस पूरे क्षेत्र में शिक्षकों की कमी है, चिकित्सकों की कमी है, नाला जिस पर पुल बनाना चाहिए पुल नहीं बना है, और तमाम तरह के घोटालों से ये जो क्षेत्र पूरी तरह परेशान है। मैं आज बिंद्रानगढ़ में आकर के देख रहा हूँ कि पूरी तरह से विकास कार्य यहाँ पर ठप्प पड़ा हुआ है। जिस विकास की गंगा को यहाँ पर हमारे मुखिया और पूर्ववर्ती सरकार भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया था, वो सारा विकास कार्य ठप्प है। नरेंद्र मोदी जी जिन चीज़ों को गांव और गरीबों के लिए भेज रहे हैं उस सारी चीज़ों को आज यहां पर भूपेश बघेल की सरकार रोक करके बैठ गई है, या उन पैसों को कहां दुरुपयोग किया है इसका पता नहीं है। पूरा क्षेत्र एक तरह से अंधकार में डूबा हुआ है। हम सारी मांगों को लेकर के यहां पर उपस्थित हैं और प्रदेश में और यहां पर जो जनता है उसकी उपस्थिति को देख के लगता है कि इस बार निश्चित रूप से इस क्षेत्र में फिर से भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनेगा, और यहां को देख के लगता है कि छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। बताइए, आपने तो अभी कहा कि जो बेलाट नाला में पुल बनना था, मुंगिया नाला में पुल कांग्रेस की सरकार ने नहीं बनाया, जब आपकी सरकार 15 सालों तक थी तो आप लोग क्या कर रहे थे? आखिर उदासीन रवैया इस क्षेत्र की जनता के साथ क्यों? देखिए, हमने उड़ीसा को जुड़ने के लिए नदी में जो पुल बनाने का काम यहाँ पर किया, एक बड़ा काम यहाँ पर किया। जो सड़क अभी यहाँ पर बन रही है आप देख रहे हैं, जो यहाँ पर 4 लेन सड़क बनाने का काम जो हो रहा है वो हमारे केंद्र सरकार की योजना। मेरे पास मैं बता रहा हूँ आपको, मैं ये बता रहा हूँ। उसके अलावा हमारी सरकार जो है यहाँ पर जो बिजली की व्यवस्था थी, 133 kV लाइन और सब स्टेशन बनाने का काम किया। देवभोग दूरस्थ अंचल था, यहाँ के लोगों को रायपुर जाने में तकलीफ होती थी। गरियाबंद को जिला बना करके प्रशासनिक यहाँ पर कसावट लाने की कोशिश की गई, यहाँ पर कॉलेज खोलने का काम किया, जो कॉलेज बरसों से देवभोग में नहीं खुला था। दूर यहाँ लोगों को कॉलेज पढ़ने के लिए रायपुर जाना पड़ता था, 225 किलोमीटर दूर। ये सारा काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के पहले पूर्ववर्ती सरकार ने इसको एक तरह से अंधकार में ढकेल दिया था। जितनी भी विकास की जो भी चीज़ यहाँ देखने को मिल रही है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, हमारे पूर्व विधायक डमरूधर पुजारी हों चाहे हमारे गोवर्धन मांझी जी के कार्यकाल में, यहाँ पर विकास की गंगा बही है। लेकिन एक बार फिर से जब यहाँ पर सरकार नहीं है तो क्षेत्र एक बार पिछड़ता जा रहा है। जी, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए ना। मैंने ये पूछा आपको कि 15 सालों में जब आपकी सरकार थी तो क्या बेलाट नाला उस समय क्या मांग में नहीं था? क्या उस समय ग्रामीण मांग नहीं कर रहे थे? क्या मुंगिया नाला का उस समय क्या ग्रामीण मांग नहीं कर रहे थे? सरकार ने उस दौरान गंभीरता से इस काम को क्यों नहीं लिया? हमारी सरकार के समय में जितनी मांगे हैं उस समय फेरिस जो है 50 की थी, हमने 25 मांगे तब पूरी की गई, और हमारी सरकार के बाद जो 25 मांगे बची वो जस की तेज बनी हुई है। हमने कॉलेज खोले, आपने बताया ना, तहसील का दर्जा दिया, कॉलेज खोले, SDM कार्यालय, तमाम चीज जो है यहाँ पर जो भवन बने हमारे, स्कूल खुले, और बिजली की जो
व्यवस्था है उसको हमने सुधारने का काम किया इस क्षेत्र में, लेकिन ये सरकार आने के बाद 5 साल में पूरी तरह से काम ठप हो गया। हमने विकास शुरू किया था, हमने ठीक है आप कह रहे हैं जिन 2 पुलिया की बात कर रहे हैं वो भी हमारे एजेंडे में था, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण जो पुल पुलिया और सड़क उसको बनाने का काम हमारी सरकार ने किया, ये तो पूरी तरह से एक टापू जैसा बन गया था बिंद्रानगढ़। यहाँ तो कोई आना नहीं चाहता था, लेकिन जो विकास हमने शुरू किया उस विकास को रोकने का काम भूपेश बघेल की सरकार ने किया। हमारे साथ विधायक दामोदर पुजारी भी मौजूद है। कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि पिछले 4.5 साल में विधायक जी मस्त है, जनता त्रस्त है, ये कांग्रेस का आरोप है, क्या कहेंगे विधायक जी? और कांग्रेस का नेता और कांग्रेस का मंत्री तो सामने बोल देखे विधानसभा में सुबह बेड़ा क्या क्या हुआ, तो और मंत्री बोलता है 1 महीना में हम लोग शुद्ध पिया जल पियेंगे बोल के 4.5 साल में, और घोषणा पत्र में हम लोग सुबह बेड़ा में पेयजल शुद्ध पेयजल करेंगे, और उसके साथ साथ उसका घोषणा पत्र में एयर एम्बुलेंस लाएंगे बोले। अभी 4.5 साल में क्या किए सुबह बेड़ा के, और हमारे क्षेत्र का बात छोड़ो, वो भूपेश सरकार ठगने का सरकार है, जनता के पास कुछ ना कुछ। अभी भेंट मुलाकात में आया था, क्या क्या घोषणा किया हमारे क्षेत्र में, जो आप बेलर नाला बोल रहे हैं, बेलर नाला का घोषणा कर दिया, मुंगिया का नाला विधायक जी, चूंकि विधायक तो इससे पहले आप भी थे, बेलाट नाला आपने भी कई बार प्रयास किया था, आपकी सरकार ने उसको क्यों जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन नहीं किया? नहीं, हम लोग क्या है, हमारे सरकार साथ अनेक क्षेत्र के लिए सौगात दिया है। आप हम लोग जाते थे रायपुर 200-250 किलोमीटर में, हमारी सरकार डॉक्टर रमन सिंह हमको जिला दिया गरियाबंद, और उसके साथ साथ हमारा जो पूर्ववर्ती हमारा भारतीय जनता पार्टी सरकार ने अनेक योजना और हमारे विकास काम हुआ है, और ये अपन स्वीकृति नहीं दे रही है। विधायक जी, जो आप यहाँ क्या प्रतिनिधित्व करते हैं, नेतृत्व कर रहे हैं, उच्च स्तर पर जब आप गंभीरता से सुना जाता है और सुनाया जाता है, मगर मंत्री तो उसके जब मंत्री होता है और मंत्री का बात होना चाहिए, स्वीकृति होना चाहिए, जबकि वो सेक्रेटरी को बोलता है कि वो सेक्रेटरी करेगा, तो मंत्री का क्या पावर रहेगा? वो 13 मंत्री है, 13 मंत्री के पास 4 साल में छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार, तो 13 मंत्री के पास पावर नहीं था, एक जन के पास पावर था, मगर चलने बोलने कुछ नहीं है, छत्तीसगढ़ में ठगने का काम किया है। तो ये थे विधायक दामोदर पुजारी, उनका साफ तौर पर यह आरोप है कि जो मंत्री हैं, मंत्री के हाथ में किसी तरह का कोई पावर नहीं है, सिर्फ मुख्यमंत्री के हाथ में पावर है, मंत्रियों से कहा जाता है, लेकिन मंत्री मुद्दे को गंभीरता से नहीं लेते। हमने जो प्रदेश प्रवक्ता थे संदीप शर्मा जी, उनसे भी चर्चा की, उन्होंने कहा कि बीजेपी के जो कार्यकाल में, डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में विकास रूपी रथ तेजी से आगे बढ़ रहा था, लेकिन छत्तीसगढ़ के जो 4.5 साल में जो कांग्रेस की सरकार है उसमें विकास रूपी रथ गायब हो गया है। कैमरा पर्सन गंधर्व बेसरा के साथ रविकांत तिवारी, वोकल टीवी, देवभूमि।